स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुलटन ट्यूटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू का इंग्लिश का यूनिट 10 का पोयम अ स्ट्रेंज टॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पोयम को। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग एंड एवरी टाइम ही स्पोक इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रक क्रक। अब कह रहे हैं कि एक मेंढक रहता था एक लकड़ी के लट्ठे में और वो हमेशा हर समय वो बोलता रहता था और वो गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय क्या बोलता था, वो बोलता था गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय क्रोक क्रोक, इंस्टेड मतलब के बजाय इन प्लेस ऑफ इंग्लिश में। ओके तो अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं। अब उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहती हूँ। हम सुबह सुबह क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग है, लेकिन क्रोक क्रोक क्यों बोलता है मेंढक, क्योंकि मेंढक की लैंग्वेज ही वही है, मेंढक वही बोल सकता है। क्या वो हमारी तरह गुड मॉर्निंग बोल सकता है, नहीं, इसलिए वो गुड मॉर्निंग कहने के बजाय कहता है क्या कहता है क्रोक क्रोक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड अ लिटिल डिड ही लैक बट व्हेन वी आस्क हाउ डू ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। अब कह रहे एक डक रहती है नदी के किनारे है ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है, क्या चीज कमी है वो बता रहे हैं आप। जैसे आपने पूछा उससे कि हाउ डू यू डू, यानी कि हाउ डू यू डू का मतलब होता है तुम कैसे हो, आपने पूछा कि आप कैसे हो तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी केवल और केवल क्वैक क्वैक। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आई एम फाइन है ना, लेकिन ये आई एम फाइन नहीं बोल सकती। डक की लैंग्वेज क्या होती है, वो कुछ भी बोलना चाहे तो वो क्वैक क्वैक ही उसके मुंह से निकलेगा, हमको वही सुनाई देगा। ओके तो इसलिए वो कहती है क्वैक क्वैक, यही कमी है डक में। ओके तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला पेज। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टॉल एज फास्ट एज ही कुड बी एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी। अब देखिए एक जो पिग रहता है वो रहता है एक बाड़े में। ओके वो एक बाड़े में रहता है और वो इतना मोटा रहता है, इतना मोटा जितना वो हो सकता है उतना मोटा वो होता है पिग। ओके एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, और कोई जब उससे डिनर के लिए रात के खाने के लिए पूछता है तब वो क्या कहता है, वो चिल्ला कर कहता है वी वी। जैसे अगर कोई पूछे कि क्या तुम डिनर खाओगे तो मान लो ऐसा मैं बता रही हूँ केवल एग्जांपल देके, तो वो क्या बोलेगा वी वी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वही है, वो हाँ यस नहीं बोल सकता, वो कहेगा केवल वी वी। ओके तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल एंड लव टू मेक अ रोप एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो आउट दे सेड बाओ आओ बाओ आओ। अब जो थ्री पप्स रहते हैं, थ्री पपीज रहते हैं छोटे छोटे, वो रहते हैं एक कैनल में। कैनल हम कहते हैं डॉग्स के हाउस को, डॉग का भी हाउस हमारी तरह रहता है लेकिन बहुत छोटा रहता है। ओके तो उसमें रहते हैं वो लोग, कौन लोग, पपीज, थ्री पपीज एंड लव टू मेक अ रो, और उनको रो बनाना बहुत पसंद रहता है। और अगर उनको पूछना है, जैसे कि पूछना है कि क्या हम जाएं बाहर, मे वी गो आउट, तब वो क्या कहते हैं, वो ये पूछ नहीं सकते है ना, वो तो ये कह ही नहीं सकते, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बाऊआ बाऊआ, क्योंकि उन वो कुछ भी कहना चाहे तो उसके उनके मुंह से क्या निकलेगा बाऊआ, हमको वही सुनाई देगा। ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज एंड ऑल ऑफ ट्राई टू स्पीक एट वंस वुडंट इट मेक अ नॉइस। अब देखिए अगर हमारे जो ये सारे एनिमल्स बताए गए हैं कि फ्रॉग की आवाज होती है क्रोक क्रोक, और डक की आवाज होती है क्वैक क्वैक, पिग की आवाज होती है वी वी, और पपीज की आवाज होती है डॉग्स की आवाज होती है बाऊ वाऊ। अब देखिए अगर ये सारे जो एनिमल्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पे, ये जो सारे एनिमल्स हैं वो गर्ल्स और बॉयज की तरह बोल सकते, तो क्या, और अगर वो दोनों एक साथ, वो दोनों नहीं, वो सारे लोग मिलकर एक साथ बोलने की कोशिश करें, तब क्या वो एक नॉइज बनेगी, हाँ बनेगी है ना। चलिए करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। तो पहला है हमारा इंस्टेड, यानी कि के बदले में, अगर हम इंग्लिश में कहें तो इन प्लेस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था।
फिर है हमारा लैक, लैक मतलब कमी, जैसे कि डक में कमी थी। ओके, फिर हमारा स्टाई, स्टाई मतलब होता है बाड़ा। फिर हमारा कैनल, कैनल होता है कुत्ते का घर, जैसे हमारा घर होता है वैसे ही कुत्ते का भी घर होता है, पर कुत्ते का घर हमारे घर से बहुत ज्यादा छोटा होता है। फिर हमारा रो, रो यानी लाइन या फिर सीधी लाइन। फिर है मिंट, मिंट का मतलब होता है मतलब ही। ओके, अब हम रीडिंग इस फन पे आते हैं। आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, क्या ये सेंटेंसेस ट्रू है या फिर ये जो सेंटेंसेस हैं वो फॉल्स हैं? तो पहला है हमारा अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, एक छोटे से मेंढक ने कहा था क्वैक क्वैक, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो इसमें आएगा फॉल्स। तो फिर किसने कहा था आप मुझे बताइए, क्वैक क्वैक किसने कहा था? फ्रॉग ने नहीं कहा था, तो डक ने कहा था। ओके, अब हम आगे आते हैं। A little pig loved to make a row. जो पिग था छोटा सा, उसको रो बनाना बहुत पसंद था। No, पिग को नहीं पसंद था, तो वो भी आएगा फॉल्स। तो किसको रो बनाना पसंद था? पपीज को। फिर है हमारा A duck only said croak croak. डक ने क्रुक क्रुक कहा था? नहीं, डक ने क्रुक क्रुक नहीं कहा था, तो ये भी फॉल्स। अब बताइए किसने क्रुक क्रुक कहा था? मेंढक ने कहा था। हाँ, मेंढक ने कहा था। फिर है A pig cried aloud wee wee, पिग ने चिल्लाया था वी वी करके। हाँ, चिल्लाया था, सो दैट इज ट्रू। ओके, हमारा फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है और हमारा फोर्थ वाला सही है। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं लेट्स टॉक में। उसमें क्या है कि एक सीमा रहती है और उसका भाई रहता है। सीमा बहुत ही ज्यादा बातूनी रहती है, इसलिए उसका भाई जो होता है उसे बातूनी बुलाता है, टॉकेटिव। ओके, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती है अपने भाई से, इसलिए वो उसे टॉकेटिव बुलाता है। तो लेट्स राइट में आपको वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सीमा पूछती है। कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में क्या क्या दिया गया है? विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। तो इन सब को आपको भरना है और ब्लैंक्स में भरना है और आपको एक क्वेश्चन बनाना है। सो दैट इज योर नेम, क्या आएगा? विल आएगा, कैन आएगा, व्हाट आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा या व्हेन आएगा? तो क्या आएगा? व्हाट इज योर नेम, है ना? ये तो आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप। तो आएगा हमारा क्या? व्हाट, व्हाट इज योर नेम, बन गया हमारा क्वेश्चन। फिर उसी तरह से है डैश ओल्ड आर यू, सो क्या आएगा? हाउ ओल्ड आर यू। फिर डैश डू यू प्ले, तो क्या आएगा? व्हेन डू यू प्ले। डैश डू यू लिव, तो क्या आएगा? वेयर डू यू लिव। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।